पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी को कर दिया है कम और पेट्रोल और डीजल अब हो जाएगा सस्ता। बहुत ही अच्छी खबर है और बहुत ही बड़ी खबर है। और अब सेंट्रल ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपने टैक्सेस को कम करें और इसके चक्कर में पेट्रोल और डीजल का प्राइस कम हो। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है। देखो, सबसे पहली चीज़ हमने देखा, गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, जो महंगाई दर बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल किया। मतलब उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए ताकि मार्केट में पैसों का सर्कुलेशन कम हो। कुछ पैसा रोका भी गया सर्कुलेशन से ताकि आप लोगों के पास पैसा ज़्यादा ना हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो आप ज़्यादा खर्च नहीं करोगे, ज़्यादा खर्च नहीं करोगे तो ज़्यादा डिमांड नहीं आएगी। अगर ज़्यादा डिमांड नहीं आएगी तो धीरे धीरे प्रोडक्ट के प्राइसेस नीचे आने शुरू हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पहला ऐसा किया गया था, पर एक बहुत बड़ी मार पड़ी। ये जो वॉर वाला सीन चल रहा था वो,